है उसका जो टॉपिक है जो आज का वचन है उसका टॉपिक है क्लेमिंग गॉड्स वर्ड टू चेंज द सिचुएशन अगर हमें अपनी सिचुएशंस uh, को चेंज करना है अगर हमें अपने सीजन को चेंज करना है तो हमें परमेश्वर के जिंदा कलाम को हमारे मुंह से अंगीकार करना होगा और उसको विश्वास के साथ क्लेम करना होगा कि हम जैसा हम देखना चाहते हैं उन चीजों का होता हुआ हमारे जीवन में वैसा हम उसको देख सके इसको एक छोटा सा टॉपिक और दे सकते हैं से एंड सी कि जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं उसे अपने मुंह से हमें अंगीकार करना होगा उसे हमें अपने मुंह के साथ अधिकार की वाणी के साथ हमें उस वर्ड को रिलीज करना होगा। बहुत सिंपल सा वचन है और बहुत सिंपल सा सिंपल सी बात है कि हर कोई इस चीज को समझ सकता है जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की पहली आयत में जहां लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और ये लिखा कि बिगनिंग गॉड एंड ये परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी दूसरा वचन उसमें लिखा हुआ है कि वचन बताता है कि कैसे प्रभु ने पृथ्वी की रचना करी और उस टाइम जब रचना नहीं करी थी तो पृथ्वी कैसी थी उस टाइम पृथ्वी बेडोल थी पृथ्वी सुनसान थी और अंधेरा था चारों तरफ और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था जल के ऊपर और कब से मंडराता था, था? यह किसी को नहीं पता लेकिन पृथ्वी की जो कंडीशन थी उस टाइम ऐसी थी कि पृथ्वी बेडौल थी पृथ्वी सुनसान थी और अंधकार से भरी हुई थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, था और फिर आगे लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके तीसरे पहले अध्याय के तीसरे वर्ष के अंदर तब परमेश्वर ने कहा उज्ला हो जाए और तब उज्याला हो गया परमेश्वर ने भी क्या बोला परमेश्वर ने बोला तब उजियाला हो जाए परमेश्वर ने अपने मुंह से उस चीज को रिलीज किया अब वर्ड को बोला तब उजियाला हो गया और फिर बाद उसके बाद ये लिखा हुआ है और परमेश्वर ने देखा कि उजियाला हो गया परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने देखा फिर हम आगे पढ़ते हैं जेनेसिस उसके फर्स्ट चैप्टर की ही नाइन्थ वर्स में उसकी इलेवेंथ वर्स में उसकी फोर्टीन वर्ष में उसकी ट्वेंटी वर्ष में कि परमेश्वर ने बोला और देखा और बोला अच्छा है तो मैं आप लोगों को ये इस चीज को बताना चाहता हूँ कि जब वो परमेश्वर जो सारे संसार को अपनी हथेली पर रखता है जिसने इस पृथ्वी की और आकाश की रचना करी है इसने हम सबकी रचना करी है जब उसको इतने टाइम्स बोलने की जरूरत पड़ी जो वो देखना चाहता था जैसा हो गया तो आप ही सोचें मेरे भाई और बहनों की कि हमें कितनी बार उस चीज को बोलना बोलने की जरूरत पड़ेगी जो हम अपने जीवन में बोलना चाहते हैं अगर हम अपने जीवन में किसी ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे हैं जहाँ हमें लगे कि परिस्थिति बेडौल है अंधियारे अंधियारा है कोई हमारे पास में नहीं है ये चीजें ऐसी हो गई परिस्थिति ऐसी हो गई है कि बेजान है हम अपनी उम्मीदों को छोड़ चुके हैं लेकिन अगर परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पास है तो हमें उसको क्लेम करना है विश्वास के साथ में और जैसा हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं कि परिस्थिति हमारे लिए वैसी हो जाए तो परिस्थिति वैसी हो जाएगी सिर्फ हमें क्या करने की जरूरत है हमें उस परमेश्वर के जिंदा वचन को हमारे मुंह से अंगीकार करना है उसको एक बार नहीं उसको दो बार नहीं दस बार नहीं सौ बार नहीं जब तक वो चीज हमारे लिए वैसी नहीं हो जाए हमें उसको क्लेम करने की जरूरत है और कई बार हम इस चीज को मिस कर देते हैं हम अपनी हिम्मत को हार जाते हैं कि हम जब उस वैली से चल जा रहे हैं उस अंधकार के अनुभव से जब हम जा रहे होते हैं तो हम कई बार अपनी होप को छोड़ देते हैं और वचन यही हमें सिखाता है कि कोई भी कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो कभी भी प्रभु हमें नहीं छोड़ता है बस हमें क्या जरूरत है हमें उस वचन को अपने मुंह से रिलीज करने की जरूरत है क्योंकि हमें अधिकार दिया गया है हम हमें परमेश्वर का राजदूत बताया गया हमें परमेश्वर के बेटे और बेटिया बताया गया है तो हमारे पास में अधिकार है कि अगर हम उस वचन को अधिकार की वाणी के साथ में रिलीज करेंगे तो जो चीजें आंखों ने नहीं देखी जो वचन है जो कानून नहीं सुनी और जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी वो चीजें हमारे लिए पूरी हो जाएंगी जैसा कि एक जनवरी को भैया ने बताया था ये चीज ये वचन दिया था सबको तो हमें उस चीज को क्लेम करना है अपने मुंह से अंगीकार करना है बार बार अपने जीवन के ऊपर भले ही हमें सिचुएशंस नहीं दिख रही ऐसा होते हुए कि नेगेटिविटी में सारी चीजें जा रही हैं लेकिन हमें चीज को क्लेम करना है और विश्वास करना है कि ये हमारे लिए हो गया है। जैसा एक गीत है जो कहता है कि विश्वास से जो बोलोगे आंखों से वही देखोगे विश्वास का हर वचन पूरा होगा टलेगा नहीं तो जो हम विश्वास से बोलेंगे आंखों से वही देखेंगे जैसा आज का टॉपिक है से एन सी जो हम बोलेंगे वही हम अपनी आंखों से देखेंगे तो जब वो जिंदा खुदा जिसने पृथ्वी की रचना करी उसको बोलना पड़ा तो आप सोचिए कि मुझे और आपको अपनी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए चीजों को उस को कितनी बार क्लेम करना पड़ेगा और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास से भर के प्रार्थना करें एक बार हमारी प्रार्थना ऐसी होती है कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ऐसा हो जाए वचन कहता है कि विश्वास से मांगो और तुम्हारे लिए हो गए डन इट इज इट इज डन टू यू तो हमें विश्वास कर अविश्वास की और संदेह भरी प्रार्थना नहीं करनी है और अगर हम ऐसा करते हैं कि हम विश्वास अविश्वास करते हैं हम संदेह करते हैं कि होगा कि नहीं तो हम हमारे लिए अच्छे परिणाम आना थोड़ा सा कठिन है मैं ये कहूंगा कि वो ऐसा परिणाम आ ही नहीं सकता लेकिन हमें विश्वास से भरी प्रार्थना करनी है और उसके अंदर संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि तो परमेश्वर अपने लोगों से जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनसे प्रेम करता है और उनके लिए सारी चीजें जो वो मांगते हैं उनके लिए पूरी, पूरी करता है तो हमें कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे हमें सता रही है या जिससे हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं हम उस चीज को विश्वास के साथ क्लेम करना है हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में हर एक के जीवन में कई बार ऐसी चीज आती जो पहाड़ के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है तो वचन कहता है अगर तुम्हारे अंदर राई के बराबर भी विश्वास है और तुम इस पहाड़ से बोलोगे कि उखड़ जाओ और जाके समुद्र में गिर तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा तो वचन क्या कहता है जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा तो हमें भाई और बहनों हमें बोलना जरूरी है उस सिचुएशन के ऊपर शैतान की चालों को खत्म करना है हमें बोल बोल के अगर हमें किसी हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या हमारे जीवन में नेगेटिविटी है या किसी ने ऐसा कुछ हमारे ऊपर कुछ ऐसा कुछ कर दिया ऐसा लगता है तो हमें सिर्फ वचन बोलना है अगर बीमारी के अंदर तो हमें वचन बोलना है कि हम यीशु के कोड़े खाने से ठीक है हर एक नेगेटिव बातें नेगेटिव स्प्रिट येशु के नाम से थरथराती है और काँपती है तो हमें सिर्फ उस वचन को अपने अपने फेत को हमें डेवलप करना है वचन को काम में लाना है और वचन की तलवार से हर एक नेगेटिव बात जो हमारे जीवन में चल रही है उसको काटना है वचन पढ़ना है विश्वास करना है और जब हम वचन को क्लेम करते हैं हमारे सिचुएशंस के ऊपर या किसी कोई पॉइंट के ऊपर, तो हम देखते हैं सीजंस को चेंज होते हैं हमारे लिए दूसरों के लिए तो जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री या सेवकाई चालू करी थी और वो भी सिर्फ यही बोला करते थे कि मुर्दों को उनने जलाया वचन के द्वारा उनने चंगा किया लोगों को वचन के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा निकाला उनने क्लेम करा चीजों को उनने क्लेम करा और उन्हें भी इतने की लाजर को उनया वचन बोल के कि लाजर बाहर आ जाओ और लाजर उठ के बाहर आ गया जो तीन दिन का मुर्दा था जो जिस जिस उसके उसकी बहनों को लगता था कि अब तो उसके अंदर से बदबू आती होगी लेकिन जो परमेश्वर जो परमेश्वर देखता है उसके देखने में फर्क है जो हम देखते हैं हमारे देखने में बहुत फर्क है हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां जो कि मुर्दा हो गई और उनमें से बदबू आती है और वो अब शायद नहीं हो पाएंगे ठीक हमें ऐसा सोचना है लेकिन अगर हम विश्वास में चल रहे हैं हम फेथ में चल रहे हैं तो हम विश्वास रखते हैं कि जो हम वचन को मुंह से क्लेम करेंगे वैसी चीजें हमारे लिए हो जाएंगी भले ही नेगेटिव चीजें थोड़े समय की रहती है जो अंधकार की वादी रहती है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है वो आदि में था वो अंत में है वो आज है वो जुगान जुग का परमेश्वर है जेनेसिस में कितनी बार प्रभु ने बोला उत्पत्ति के अंदर कि ये हो जाए और वैसा हो गया छह दिन प्रभु ने इस परमेश्वर ने इस की रचना करी और सातवें दिन वहां लिखा है कि उसने आराम किया जो की पॉइंट है वो ये है कि छह दिन परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और सातवें दिन उसने रेस्ट किया वो जो छह दिन थे उसने चीजों को बोला अपने मुंह से बोला कि ऐसा हो जाया और वैसा हो गया और उसने सातवें दिन विश्राम किया तो अगर हम भी उस विश्राम के अंदर जाना चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि उन परिस्थितियों से जिससे हम जूझ रहे हैं जो आ, हमें जीने नहीं दे रही है या जिससे हम आ, जिससे हम पार नहीं कर पा रहे हैं जो पहाड़ है ऐसे जो हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन बन के खड़े हो गए जो हमारे जीवन में जिससे उथल पुथल कर रखी है तो हमें सिर्फ वचन को रिलीज करना है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है वचन के द्वारा क्योंकि तो परमेश्वर ने वचन को बहुत महत्व दिया है और वचन ही है जो सबका आधार है तो अगर हम भी उस रेस्ट के अंदर एंटर होना चाहते हैं उस आराम के अंदर एंटर होना चाहते हैं जो जिस जिस चीज से हम गुजर रहे हैं जिस ऐसी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं जिससे हम कोप अप कर पा रहे तो हमें उस वचन को बार बार रिलीज करना है हो सकता है वो कोई फाइनेंसिस का कोई प्रॉब्लम हो हो सकता है कोई दुष्ट आत्माओं का कोई प्रकोप प्रकोप हो कोई बीमारी हो कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ, आ रही हो कुछ भी और ऐसी चीज हो सकती है लेकिन हमें सिर्फ वचन को रिलीज करना है और हम महसूस करेंगे और देखेंगे कि कुछ कुछ ही टाइम के अंदर जो भी सिचुएशन थी वो चेंज हो गई है हमारा सीजन चेंज हो गया है सिर्फ किससे बोलने के द्वारा हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं और साथ ही साथ हम क्या है हैं तो अगर उसने हमें वारिस बोला है तो वो स्वर्गीय पिता है हमारा और वो हमें हमारी चीजों को हमारी इच्छाओं को मांगने से पहले जानता है हमें किन चीजों की जरूरत है सिर्फ वो भी इंतजार करता है कि हम उसको पुकारे और वो हमें गले लगाने को हमेशा तत्पर और तैयार पाया जाता है तो हमें वचन को पढ़ना है उसको बोलना है और अंगीकार करना है मुँह से कि जो हमने मांगा है यीशु के नाम से वो हमें मिल गया है आ, वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें ताजगी देता है वचन चीजों को बूस्ट करता है स्पीड अप करता है कई बार हम अपने जीवन में वचन को समय नहीं देते हैं कई बार हम छोटी सी प्रार्थना करके निकल जाते हैं कि वचन रात में पढ़ लेंगे शाम को पढ़ लेंगे मेरे साथ अक्सर ऐसा हो होता है और मैं बात ऐसे लगता है कि वही ठीक है प्रेयर कर लेता हूँ बाद में मैं वचन पढ़ लूंगा लेकिन जब तक अब ऐसा हो गया अगर वचन नहीं पढ़ते तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज मिस हो गई है कुछ चीज खाली रह गई है तो वचन का बहुत इम्पोर्टेंस है और वचन हमें चीजों को स्पीडअप करने में भी मदद करता है तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि हमें वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करना है हमें वचन को बोलना है हर एक परिस्थिति के ऊपर और हम देखेंगे कि हमारे जो सीजन्स है वो चेंज होता हुआ देखेंगे हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम सिचुएशंस uh, को चेंज होता हुआ देखेंगे यीशु के सामर्थी नाम से आइए हम प्रार्थना करें प्रेमी दयालु और और महान पिता परमेश्वर राजाओं प्रभू के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता पर पिता, परमेश्वर प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने वचन दिया मेरे पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा यशु पिता प्रभु हमें प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ है पिता परमेश्वर पिता हमें पिता ऐसा मन दे ऐसा हिहाब दे पिता परमेश्वर की कोई भी परिस्थिति हो मेरे पिता तो हम पिता परमेश्वर केवल उस वचन को पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है उसको विश्वास के साथ रिलीज करें पिता पिता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो हो जो हमारे सामने पहाड़ बन के के खड़ी वो यीशु नाम से हट जाए पिता टूट जाए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपने ऐसा कर दिया है मेरे पिता इस समय कोई भी प्रभु हमारा भाई और बहन पिता किसी परिस्थिति में पाया जाता है पिता जो पिता नेगेटिव है पिता मैं प्रताप आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से और जीवन से उसकी परिस्थिति पिता चेंज, सीजन चेंज होता है सीजन होता पिता पर आपने ऐसा कर दिया धन्यवाद पिता वचन के लिए धन्यवाद हो मेरे पिता इस अवसर के लिए धन्यवाद जो आपने प्रभु जी प्रदान किया है पिता धन्यवाद और विश्वास करते हैं छोटी सी विंती को मांग लेता हूँ प्रिय पुत्र यश नाम से प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए पिता